यूक्रेन के साथ स्टैंड ऑफ के बाद रशिया ने अपनी पूरी आर्म्स इंडस्ट्री को सिर्फ अपनी मिलिट्री की नीड्स को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, और उसका इम्पैक्ट रशिया के ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर काफ़ी पड़ा है। बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका इंडिया पर पड़ा है, क्योंकि रशिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर द इंडियाज़ मिलिट्री इक्विपमेंट नीड्स। हालांकि पिछले कुछ सालों में इंडिया की रशिया पर आर्म्स डिपेंडेंसी काफ़ी कम हुई है, और अगर हम सिप्री के डेटाबेस के अकॉर्डिंग देखें तो 2008 से 2012 के बीच में इंडिया के टोटल आर्म्स इम्पोर्ट्स में रशिया का शेयर 78% था, जो कि 2013 से 17 के बीच में कम होकर 64% पर आ गया था, और 2018 से 2022 के बीच में इट फर्दर रिड्यूस टू जस्ट 45%। नाउ देर आर मैनी रीजन्स फॉर इंडियाज़ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन रशिया, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडियाज़ मूविंग टूवर्ड्स लोकल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशेंसी इन डिफेंस सेक्टर। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, चाहे वो इंडिया की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हों चाहे प्राइवेट कंपनीज हों, एंड ऑल्सो द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ अदर कंट्रीज इन इंडियाज़ टोटल आर्म्स इम्पोर्ट्स लाइक फ्रांस। फ्रांस का शेयर 2013 से 2017 के बीच में इंडिया के टोटल आर्म्स इम्पोर्ट्स में सिर्फ 4% था, बट 2018 से 2022 के बीच में इट इंक्रीज टू 29%। नाउ इसका रीज़न रफाइल्स था, क्योंकि इंडिया को 2019 से 2022 के बीच में 36 रफाइल्स की डिलीवरी हुई थी फ्रॉम फ्रांस। सो दैट वॉज द मेन रीज़न फॉर दिस। बट स्टिल रशिया इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर टू इंडिया, एंड द वॉर स्टार्टेड इन 2022 बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैज़ इम्पैक्टेड द डिलीवरीज आर्म्स डिलीवरीज टू इंडिया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री इम्पॉर्टेंट आर्म्स डिलीवरीज विच हैव बीन डिलेयर्ड ड्यू टू रशिया यूक्रेन स्टैंड ऑफ। फर्स्ट वन इज S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम फॉर द इंडियन एयरफोर्स, सेकेंड इज फ्रिगेट्स डिलीवरी टू द इंडियन नेवी, एंड द थर्ड वन इज AK-203 असॉल्ट राइफल्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया थ्रू अ जॉइंट वेंचर विद रशिया। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी दो बैटरीज की डिलीवरी इंडिया को पेंडिंग है, और 2018 में इंडिया और रशिया के बीच में S-400 के 5 सिस्टम्स की डील साइन हुई थी। इनमें से 3 इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है ड्यूरिंग बिटवीन 2021 और 2023 के बीच में ये रिसीव हुई थी, बट दो सिस्टम्स की डिलीवरी भी 2023 के एंड तक एक्सपेक्टेड थी विच हैज़ नॉट हैपन्ड। और कहा जा रहा है कि वॉर के बाद रशिया ने अपनी नंबर ऑफ S-400 सिस्टम्स को यूक्रेन के अगेंस्ट डिप्लॉय किया था, और उनमें से कुछ बैटरीज यूक्रेन के मिसाइल अटैक से डिस्ट्रॉय हो गई थी, और इसके बाद फिर रशिया ने एडिशनल बैटरीज़ को S-400 की एडिशनल बैटरीज़ को डिप्लॉय किया। और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से ये लगता है कि इंडिया की ये जो पेंडिंग दो S-400 की दो पेंडिंग सिस्टम्स हैं इट हैज़ बिन डिलेयर्ड फर्दर फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। नाउ इंडिया के पास अपना इंडिजिनियसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी है, दैट इज़ आकाश वेपन सिस्टम, जिसको इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ऑलरेडी यूज़ कर रही है। बट आकाश एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक की है, दैट कैन इंटरसेप्ट द टारगेट्स विद इन अ रेडियस ऑफ 25 to 30 किलोमीटर्स। बट S-400 इज़ अ लॉन्गर रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एंड रशिया की आर्म्स एक्सपोर्टिंग एजेंसी रोजोबोरोन की वेबसाइट के अकॉर्डिंग S-400 की ऑपरेशनल रेंज मोर देन 300 किलोमीटर्स है। दैट मीन्स इट कैन इंटरसेप्ट द टारगेट्स विद इन अ रेडियस ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर्स, एंड दीज S-400 सिस्टम्स आर मेंट टू बी डिप्लॉयड एट द पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर्स। बट इसकी 3 सिस्टम्स ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर चुकी है। नाउ द सेकेंड डिलेड प्रोजेक्ट इज़ द 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स डिलीवरी टू द इंडियन नेवी, एंड इसकी डिलीवरी 2024 के स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेड थी, बट दे आर ऑल्सो डिलेड। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज डिलेड वॉरशिप्स, 2016 में इंडिया और रशिया के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स, जिसमें से दो वॉरशिप्स
दैट इज एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास वॉरशिप्स। इसकी मैन्युफैक्चरिंग रशियन शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन यंत्र शिपयार्ड द्वारा की जानी थी। एंड इसके बाद टू फॉलो ऑन फ्रिगेट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में गोवा शिपयार्ड द्वारा विद द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन। नाउ दिस यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन इज़ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ रशिया, जिसके अंडर रशिया के 40 डोमेस्टिक शिपयार्ड्स आते हैं एंड यंत्र शिपयार्ड इज वन ऑफ देम। और ये एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास वॉरशिप्स इंडियन नेवी की तलवार और ते क्लास वॉरशिप का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसको रशिया में इंडो रशियन जॉइंट प्रोडक्शन के अंडर मैन्युफैक्चर किया गया था एंड इनकी डिलीवरी इंडियन नेवी को 2003 से 2013 के बीच में हुई थी। और इन फ्रिगेट्स की के डिले रीजंस की बात करें तो पहले इनकी कंस्ट्रक्शन कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन की वजह से डिले हुई और 2020 और 2021 के दौरान कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इनकी कंस्ट्रक्शन पेस काफ़ी स्लो हो गई थी। एंड इसके बाद स्टार्टिंग 2022 में ही रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फर्दर इनकी जो कंस्ट्रक्शन पेस थी वो स्लो हुई। बट 2023 में लास्ट ईयर दीज टू वॉरशिप्स वर लॉन्च्ड इनटू द वाटर्स बिकॉज इनकी जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स की इंटीग्रेशन थी वो पूरी हो चुकी है एंड नाउ द आउटफिटिंग वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। बट इनकी डिलीवरी अभी मिनिमम एक साल तक डिले हुई है एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड बाय मिड 2025। सो कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस एंड द रशिया यूक्रेन वॉर वर द टू मेन रीजंस फॉर द डिले ऑफ दीज वॉरशिप्स। और पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी ने 68 वॉरशिप्स का ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें से ये दो रशिया से डिलीवर होनी है और इसके बाद फॉलो ऑन ऑर्डर ऑफ टू वॉरशिप्स जिसकी मैन्युफैक्चरिंग गोवा शिपयार्ड द्वारा की जानी है विद द असिस्टेंस फ्रॉम रशिया। बट क्योंकि इस फॉलो ऑन ऑर्डर में भी रशिया की इन्वॉल्वमेंट है तो दैट ऑर्डर इज ऑल्सो डिलेड। बट इसके अलावा जो 64 वॉरशिप्स का ऑर्डर है वो कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर होनी है। और जो तीसरा डिलेड प्रोजेक्ट है वो है AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंडिया में होनी है अंडर अ जॉइंट वेंचर दैट इज इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप दैट इज़ इन कोरवा नियर अमेठी इन उत्तर प्रदेश। इस जॉइंट वेंचर के अंडर अराउंड 7,50,000 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी एंड इसमें से अराउंड 80,000 यूनिट्स डायरेक्टली रशिया सप्लाई करेगा। और मार्च 2024 से इन राइफल्स के पहले बैच की डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी, बट अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा अभी लेटेस्ट अप्रूवल दी गई है आर्मी के लिए, उससे लगता है कि इन AK-203 राइफल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी डिले हो चुकी है। अभी लास्ट मंथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा आर्मी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 6 ओवर असॉल्ट राइफल्स की 73,000 यूनिट्स की प्रोक्योरमेंट की अप्रूवल दी गई है फ्रॉम द USA कंपनी 6 ओवर। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस IRRPL और आर्मी के द्वारा AK-203 राइफल्स की पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग अभी कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है, बट दिस 6 ओवर असॉल्ट राइफल्स ऑर्डर फ्रॉम द USA इट इंडिकेट्स इट्स डिले। नाउ इस प्रोजेक्ट के डिले का भी जो रीज़न है दैट इज़ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस ऑन रशिया बाय द USA आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स द डिलीवरी ऑफ विच हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। और इसके अलावा इंडियन मिलिट्री का जो ह्यूज पोर्शन ह्यूज साइज में रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट है उसकी सर्विस के लिए पार्ट्स और मिलिट्री किट्स की सप्लाई में भी गैप देखने को मिला है।